दोस्तों नमस्कार। आज हम जौनपुर ज़िले के मछली शहर तहसील के में जो है एक ग्राम पड़ता है छाछो। मास्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, हर कोई जानता है। और बता दें दोस्तों कि मास्टर साहब जो है रिटायरमेंट हैं। बनवा के पास एक इंटर कॉलेज था, श्री गंगा देवी इंटर कॉलेज, वहाँ पढ़ाते थे। कौन सन में आप जो ना रिटायर भैन हैं? कौन सन में रिटायर भैन हैं? 95 मास्टर साहब रिटायरमेंट हुई हैं। तो ये समय बतावें कि लगभग कितना उम्र हुए आपके समय? करीब 90-95। आप देख रहे हैं कि मास्टर साहब की उम्र करीब 95 साल के करीब है। मास्टर साहब फिट हैं। मास्टर साहब पहले आते थे, आप जो भाई देखते होंगे जानते होंगे, डमरू साइड में आप सब रहे जात रहे पहले टहले। हाँ, सुबह मास्टर साहब पहले जाते थे टहलते थे, अब थोड़ा अस्वस्थ है नहीं जाते हैं। और दोस्तों ये भी बताते, मछली शहर में सत्संग चलता है श्री ठाकुर अनुकूल चंद महाराज का, वहाँ पे पहले जब सक्रिय थे आज भी हैं तो सब लोग रहते थे, थोड़ा अस्वस्थ है इस वजह से अब वहाँ नहीं जा पाते हैं, घर पे ही रहते हैं। अच्छा ये बताएं आप, वो मास्टर साहब जब आप पढ़ावत रहें तो कौन विषय पढ़ावत रहें सर जी? हिंदी अंका पढ़ावत रहें? अर्थशास्त्र। देखिए मास्टर अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, जबकि अर्थशास्त्र बहुत कठिन होता है, लोग पढ़ते नहीं। मास्टर साहब अर्थशास्त्र के टीचर थे। और आज के युग में लोग बच्चे जो भागते हैं अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि गणित थोड़ी तो मेरा हाथ है बहुत। तो मास्टर साहब ये बता, ब्लैक बोर्ड और उसके डायग्राम के चल नहीं चलता। अच्छा, अभी भी हाँ 50,000 रुपये हमको पेंशन मिलती है। मास्टर साहब बहुत पुराने हैं, लेकिन मास्टर साहब एक चीज़ बतावें कि आप जब शुरुआती दौर में एकदम पहली बार तनख्वाह जब पहुँचे तब कितना उसमें तनख्वाह रहा पहली बार? बहुत कम तनख्वाह। तब वो कितना? उस समय ग्रेड मैंने LT किया था। अच्छा अच्छा, तब BA नहीं था। अच्छा, तब BA ना रहा ना। और BA जो मैंने किया था हाँ TD कॉलेज से BA और आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित था। अच्छा, आगरा यूनिवर्सिटी हमारा BA का जी मास्टर डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी। तो आगरा आप वहीं जो ना पढ़ते रहे वहीं? नहीं, आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित है वो, संबंधित था TD कॉलेज। अच्छा मास्टर साहब ये बताओ, लगभग उस समय हमें लगा था 150 रुपये महीना रहा हुए हाँ? वह जमाने में 150 रुपये महीना मिलत रहा हुए बहुत पहले, तब उतनी सस्ताई कहाँ से मिलता है? जैसे आप जो पढ़ावत रहे शुरुआत में नहीं हाँ 120 रुपये ग्रेड थी। 120 रुपया महीना? हाँ, एक ग्रेड थी। अच्छा ग्रेड, लेकिन कटौती कर लेते थे। अच्छा अच्छा, अरे हम लोग आंदोलन किया, जेल भी काटे हुए। जेल? हाँ, सत्याग्रह किया था। वो सत्याग्रह आज़ादी समय वाला हा? सत्याग्रह आंदोलन जब चल रहा ये शिक्षक संघ की। अच्छा, शिक्षक संघ जो कमेटी होते में तब दिया बैंक पेमेंट ने थोड़ा बहुत देते थे, तब मैनेजर ग्रांट लेते थे थोड़ा कम करके देते होंगे। हाँ, कटौती कर लेते थे। अब बैंक में सीधा हो गया, सही हो गया। अच्छा मास्टर साहब एक चीज़ बताओ कि तब के ज़माना में अब ज़माना में बहुत अंतर बात है। पहले जब आप पहला स्कूल आप रहा जहाँ पढ़ा थे, एक कई स्कूल आ और जगह जाए पढ़ा रहा, एक कई स्कूलों में आप पढ़ा होते हैं बनमई लगातार। अच्छा मास्टर साहब ये जानना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ये भी बता दें कि हमारे मास्टर साहब हमारे जो है हमको दीक्षा भी दिए थे और हम जो है इनके किरदार भी हैं। और बहुत अच्छा लगा, मास्टर साहब बहुत ही सज्जन हैं, कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं करीब करीब। और
मछली सड़क पर दिखते थे, इस समय थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं और फिर भी सही है। अच्छा मास्टर साहब, वो आप दीक्षा यही गुरु दक्षिणा में गुरु क्षेत्र में कब आए, कितना साल से ठाकुर अनुकूल चंद की शरण में कौन सन फायन करीब प्रेरणा कैसे मिली आपके? डॉक्टर पीसी ठाकुर चंद जी। अच्छा 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 वही हमको डॉक्टर फूलचंद, हाँ वही समझाते थे। और एक बंगाली आते सुनते हैं। अच्छा अच्छा फरीन चंद भट्टाचार्य। अच्छा अच्छा उन्होंने दीक्षा दिया था करीब करीब 10-20 साल, अब काफी समय पहले से, बहुत पहले। तो दोस्तों बता दें कि आप पंचदी मौर्य ब्लॉक पे ये जो है इंटरव्यू देख रहे हैं मास्टर साहब। मैं क्या इंटरव्यू लूँगा मास्टर साहब, मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे गुरु भी हैं, बस लेना पड़ रहा है क्योंकि चैनल है। मास्टर साहब जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यह कामना करते हैं प्रभु से कि आप स्वस्थ हों और फिर से आप टहलने लगें। और दोस्तों बता दें कि आनापुर से लेकर के डमरुआ तक पैदल ही जाते थे सुबह टहलने के लिए। एक मुंशी महावीर प्रसाद। अच्छा महावीर प्रसाद मुंशी जी, वो मछली से मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा और पैदल डमरुआ गए थे, वो पैदल रोज जाते मछली से फिर डमरुआ तक। हाँ आते पढ़ाने के लिए पैदल जाते थे कि सुबह टहलने के लिए? पढ़ाने के लिए। बताइए अब आजकल देखिए कि बच्चे हैं कभी साइकिल क्या साइकिल से नहीं जाते जो है, अब तो स्कूल हो गए हैं नज़दीक नज़दीक। गुरु जी एक चीज़ जानना चाहते हैं, लास्ट में बतावें देखे वाले के कुछ बताए दे, दो शब्द जो उन लोग देखते हैं वीडियो इन्हें सबके दो शब्द कुछ आशीर्वाद स्वरूप बताए दें कुछ। मनमुखी होना ठीक नहीं, मनमुखी क्योंकि मन ही तो दौड़ता है जी। मन की स्थिति होती है निम्नगामी। अच्छा मन जो है वो बहुत चंचल है जी गुरु जी, वो गीता में है नहीं कि चंचलम ही मन कृष्ण है तस्याम निग्रहे मन्ने वायो रिव चतुष्कलम। तो मनमुखी होने से आदमी जी उसका पता नहीं होता है। मनमुखी मतलब अपने मन के हिसाब से लगातार जो चले उसका पतन हो जाता है, इसीलिए गुरुमुखी होना। और गुरु भी आजकल तो तमाम गुरु लोग हैं, अब इसमें है कि सच्चे गुरु तलाश करें कैसे पता चले कौन सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु जिसको मिल जाए उसकी तकदीर बुलंद हो जाती है। तो उनका संग करना होगा जी जी। अच्छा जो नहीं है इस सत्संग से हम लोग कहने मतलब कि सत्संग के माध्यम से हम लोग जिंदगी संवर सकती है। बाकी लोग जो भाई देख रहे हैं मास्टर साहब कहना है सत्संग वह जरिया है, अगर आप रहते हैं सीखते हैं तो निश्चित है आपका जीवन सफल होगा। तो आपको एक बार पुनः जो है हम बता दें दोस्तों, हम शिक्षक दिवस पे ही मास्टर साहब के पास आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुँच सके, तो आज आए हैं और फिर आते रहेंगे अगली बार फिर, तब तक मास्टर साहब स्वस्थ हो जाएंगे अच्छे से बात करेंगे और कुछ भजन वगैरह और जो ज्ञान की बातें हैं फिर उसको सुनाया जाएगा। तब तक के लिए गुरुजी प्रणाम।